वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड, मेरा रेसिपी में स्वागत है फ्रेंड। तो आज बनाऊंगी नई रेसिपी तरीके से, अरबी के पत्तों से फ्राई किया हुआ पकौड़ा। खाने में इतनी टेस्टी कि आप बनाने का मन करेगा। फ्रेंड मेरा रेसिपी पूरा देखे नहीं, हमको बहुत दुखी होता है मेरा वीडियो नहीं देखते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मिक्सी जार लिए हैं, उसमें एक प्याज लिए तो उसको काट दिए हैं। हरा मिर्चा 5-6 लिए हैं, आप चाहे तो तीता के लिए और ज़्यादा ले सकते हैं। 2 अदरक लहसुन जारा लिए हैं और उसके बाद आम का अचार चाहे अमचूर के ले सकते हैं। उसमें थोड़ा सा हम पानी डालेंगे, पानी डाल के ढक्कन लगा कर उसको हम पीस लेंगे। देखिए मेरा यहाँ पर मसाला तैयार हो गया है। तो यहाँ पर एक बाउल लिया है, बाउल में 1 कप बेसन लिया है, करीबन 250 ग्राम होगा। उसके बाद जो मसाला हम पीसे हैं उसमें हम बेसन में डाल देंगे, थोड़े थोड़े करके डालेंगे। मसाला डालने से थोड़ा जो अरबी के पत्ते हैं चटपटे होंगे। थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा लाल मिर्चा पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा जीरा पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर डालेंगे। नमक अपने अनुसार डाल सकते हैं, कम बेसी डाल सकते हैं। और उसके बाद में हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। अब उसको हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अरबी के पत्ते जो आप पकौड़े बनाइएगा तो बहुत अच्छे लगते हैं, आप चाय के साथ भी खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है, बच्चा बहुत पसंद से खाते हैं। फिर जो मसाला हम पीसे हैं उसमें आम का जो अचार डाले हैं, आम का अचार डालने से थोड़ा टेस्टी लगता है और बहुत अच्छा भी लगता है। फ्रेंड 1 कप पानी लिए थे तो थोड़ा पानी लगा है, आधा पानी बच गया है। अरबी के पत्ता है 5-6 है, उसका हम डंटी कट कर लेंगे। अब एक हम चाकू लेंगे, उसका जो डंटा है उसको हम कट कर लेंगे, अच्छी तरह कट कर लेंगे, नहीं तो रोल करने में टूट जाएगा। फ्रेंड जो अरबी के पत्ता है उसको हम 2-3 पानी धो लिए हैं, अच्छी तरह धो लिए हैं। हम 1 प्लेट लिए हैं, आप थाली भी ले सकते हैं। उसके बाद में हम 1 अरबी के पत्ते रखेंगे, जो बेसन का बैटर बनाए हैं उसको हम अरबी के पत्ते में लपेट लेंगे, चारों तरफ हम लपेट लेंगे। अब अरबी के पत्ते अब दूसरा हम लगा कर रखेंगे, फिर उसके बाद में बेसन लपेट लेंगे, फिर दूसरा लगाएंगे, उसके बाद में दोनों तरफ से मोड़ देंगे। उसके बाद में हम रोल बना लेंगे, थोड़ा बेसन लगा कर रोल बना लेंगे। उसके बाद में थोड़ा सा बेसन से हम चिपका देंगे। जाली वाला प्लेट में हम रोल रख लेंगे, उसके बाद में एक बाउल रखे उसमें पानी डालकर प्लेट को हम रख देंगे, ढक्कन लगाकर 2 मिनट तक हम पकाएंगे। चेक करेंगे कि अब पका है कि नहीं पका है। अब देखिए पक चुका है, गैस को हम बंद कर देंगे। एक प्लेट लिए हैं उसमें हम रोल को रखकर उसको चाकू से पतला पतला पीस काट सकते हैं, अपना मोटा काटना चाहते हैं तो मोटा भी काट सकते हैं। इसी तरह सारा रोल को हम कट कर लेंगे। यहाँ पर कढ़ाई रखे हैं, कढ़ाई में हम थोड़ा तेल डालकर गरम कर लिए हैं। अब उसको हम एक एक करके हम टिक्की को डालेंगे। गैस का फ्लेम कम करके रखेंगे, पहले हम थोड़ा हाई करके रखे थे, अब थोड़ा कम करके रखेंगे, इसलिए कि जो पकौड़ा है वो कुरकुरे होंगे, अंदर से सॉफ्ट होंगे ऊपर से कुरकुरे होंगे। अब उसको इधर उधर से हम चलाएंगे। अब उसको हम क्या करेंगे, पलट देंगे, सभी को हम इसी तरह हम पलट देंगे। फ्रेंड पकौड़ा ब्राउन हो गया है। अब एक छन्नी लेंगे, छन्नी में एक एक करके डाल देंगे, जितना एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाएगा। अब मेरा पकौड़ा रेडी हो गया है, चाय के साथ खा सकते हैं। मेरा रेसिपी अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद।